हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है कि हम किस टाइप का आज हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम कोडिंग करेंगे कैसे आप कोई भी डाटा टाइप्स का साइज को कैसे पता कर सकते हैं, कितना साइज का ये इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर है, डबल है, ये सब कैसे आप पता कर सकते हैं, तो उसका आज हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी से पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एडिटर को ओपन कर लेंगे, ठीक है, जिसमें हम आज हम कोडिंग करेंगे। तो उस एडिटर का नाम है विजुअल स्टूडियो। देखिए, विजुअल स्टूडियो कोड ये एक एडिटर का नाम है जिसमें आज हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसको जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो हमारा एडिटर है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फाइल को क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम अपना प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू फाइल पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे अपना फाइल का नाम दे सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना फाइल का नाम चलिए दे देते हैं साइज ऑफ, क्योंकि हमको साइज निकालना है, साइज ऑफ अंडरस्कोर और फिर दे देते हैं डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स, ठीक है। तो ये फाइल का नाम है साइज ऑफ डेटा टाइप्स। और इसको जब भी हम सेव करेंगे तो आपको एक्सटेंशन कोड के साथ सेव करना होगा, ठीक है। तो सी प्लस प्लस का जब भी हम फाइल को सेव करेंगे तो वहां पे हम लिखेंगे एक्सटेंशन कोड जो हम देंगे डॉट सी पी पी, ठीक है। तो जैसे आप डॉट सी पी पी लिखने के बाद जैसे आप इंटर दबाइएगा तो ये जो आपका फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है साइज ऑफ डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ये जो आज का जो क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम कमेंट लाइन में लिख लेते हैं, ठीक है। कमेंट लाइन क्या होता है आपको पता ही होगा कि हमारा जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट नहीं करता है कमेंट लाइन को, इसलिए हम उस क्वेश्चन को कमेंट लाइन में लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड साइज ऑफ इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड करेक्टर, ठीक है। तो ये सब डेटा टाइप्स का आज हम साइज को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल सके कि किस तरह से आप किसी भी डेटा टाइप्स का साइज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे हम टाइप करते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। डॉट एच अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका कंपाइलर जो है अगर वो ओल्ड वर्जन का है तो फिर आपको डॉट एच लिखना होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद फिर हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। ये हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए इस तरह से हम लिखते हैं, पहले हेडर फाइल फिर इसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने यहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे इंट मेन और फिर ये पैरेंथेसिस, ये देखिए आप हम कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस और ओपन कर्ली ब्रेसेस, ये दोनों हम यहाँ पे यूज कर लिए ताकि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो कोडिंग जो होगा वो इस ब्रैकेट के ब्रेसेस के अंदर होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको लॉजिक कैसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है कि आपको साइज इंटीजर, फ्लोट, डबल और करेक्टर का साइज निकालना है, ठीक है। तो साइज निकालने के लिए आप एक
साइज ऑफ जो है एक फंक्शन, आप साइज निकालने के लिए किस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए यहाँ पे आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिस साइज ऑफ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का जो साइज होगा वो क्या होगा, तो देखिए साइज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम साइज ऑफ, आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे साइज ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, और फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं इसके अंदर, जिस चीज का हमको साइज निकालना है उस डेटा टाइप्स को हम इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, इंटीजर लिखना है, इंटीजर का डेटा, इंटीजर का हमको वैल्यू, इंटीजर का हमको साइज पता करना है। तो हम इस साइज ऑफ के अंदर हम इंट लिखेंगे, इंटीजर के लिए हम इंट यूज करते हैं, आपको पता ही है। अब हम इसके बाद हम लिखेंगे इंट एल, ठीक है, सॉरी इंट एल। तो ये हम इस तरह से हम इंटीजर का साइज को पता कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है हमको बार बार लिखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम इसको एक बार में हम कॉपी कर लेते हैं और फिर हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो हमको चार डेटा टाइप्स का हमको साइज निकालना है, तो हम यहाँ पे सब डेटा टाइप्स जो है उस सब का हम नाम लिख लेते हैं। तो फ्लोट निकालना है, तो इसमें इसके अंदर हम किसका साइज निकालेंगे, फ्लोट का, तो इसके अंदर हम फ्लोट लिख लेंगे। ठीक है, अब हम फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे हम अब लिखेंगे डबल। ठीक है, क्योंकि हमको डबल का साइज पता करना है कि डबल का साइज जो वो होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो अब हम इस इंट को हटा के हम डबल लिख लेते हैं। ठीक है, तो डबल ये हो गया। अब हम फिर से नीचे आएंगे और फिर इसको इंटीजर को मिटाएंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे करेक्टर, करेक्टर। ठीक है, और फिर ये जो इंट जो है इसको भी हम हटाएंगे और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सी एच ए आर। ठीक है, हम आपको बताइए कि हम सी एच ए आर से हम कैरेक्टर को असाइन करते हैं प्रोग्राम में, जब भी हमको डिक्लेयर करना हो कैरेक्टर टाइप का तो हम सी एच ए आर यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चारों का साइज को पता कर सकते हैं। अब हम लास्ट में लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न जीरो। ठीक, और ये प्रोग्राम लिखने के बाद आपको इस प्रोग्राम को सेव करना होगा। ठीक है, तो जैसे आप कंट्रोल एस प्रेस कीजिएगा तो ये जो आपका प्रोग्राम है वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं कि वास्तविक में हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको रन करा लेते हैं। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। देखिएगा आपको यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको इसका जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइज ऑफ इंटीजर कितना होता है, 4। ये आगे में हम माइनस नहीं लगाएंगे, एक्चुअली हम यहाँ पे यूज किए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे यूज किए हैं इसलिए यहाँ पे आपको माइनस की तरह दिख रहा है, बट एक्चुअली ये माइनस नहीं है। ठीक है, तो साइज ऑफ इंटीजर कितना होता है, 4। साइज ऑफ फ्लोट भी कितना होता है, 4। ओके, तो साइज ऑफ डबल कितना होता है, 8। ठीक है, तो और साइज ऑफ करेक्टर कितना होता है, 1। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी डेटा टाइप्स का आप साइज को फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली वे में। आई थिंक आपको दोस्तों आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे आप कोई भी डेटा टाइप्स का साइज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दोस्तों प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, तो आप हमको उस क्वेश्चन को कमेंट में लिखें या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे आप हमको क्वेश्चन दीजिए, हम आपको आसान से आसान तरीका से आपको हम इसका कोडिंग करके आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों आई होप कि आप
इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर आप नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।